हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बेस्ट ट्रैवल कार्ड्स फॉर 2024 का डिस्कशन करेंगे। हम इस डिस्कशन में सुपर प्रीमियम कार्ड्स जैसे कि इन्फिनिया, डाइनर्स क्लब ब्लैक, मैग्नस कार्ड्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस डिस्कशन में। हम ऐसे कार्ड्स को ही कंसिडर कर रहे हैं जो कि ट्रैवल रिलेटेड लाइफ स्टाइल बेनिफिट्स या ट्रैवल के फॉर्म में रिटर्न्स या फिर एयरलाइन या होटल को ब्रांडेड कार्ड्स हों। सो लेट्स बिगिन। पहला कार्ड जिसकी हम डिस्कशन करेंगे वो है एक्सिस एटलस कार्ड। ये एक वेल राउंडेड कार्ड है जिसमें ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट्स और साथ में आपको रिवॉर्ड्स भी ट्रैवल के अराउंड ही मिलते हैं। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 5,000 रुपये प्लस टैक्सेस। आपको इस कार्ड पर 5,000 एज माइल्स एज वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपकी फ़ी के कंपेरिजन में डबल वैल्यू देते हैं, और रिन्यूअल पर भी माइल्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टियर में हो। सिल्वर टियर में हो तो आपको 2,500 एज माइल्स मिलते हैं, गोल्ड टियर में हो तो आपको 5,000 एज माइल्स मिलते हैं, और प्लैटिनम टियर में हो तो आपको 10,000 एज माइल्स मिलते हैं। इवन जो सिल्वर टियर कार्ड होल्डर्स हैं उनकी भी रिन्यूअल फी रिकवर हो जाती है एज माइल से। अब अगर नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टियर में हो, आपको अप टू 18 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं एक साल में, और अप टू 12 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं एक साल में। इसके अलावा गोल्ड और प्लैटिनम टियर कार्ड होल्डर्स को एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट का बेनिफिट भी मिलता है, और प्लैटिनम टियर कार्ड होल्डर्स को साल में 2 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट पिकअप या ड्रॉप सर्विस भी मिलती है। तो बहुत ही अच्छे लाइफस्टाइल बेनिफिट्स हैं जो कि ट्रैवलर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अब अगर हम इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो आप या तो माइल्स को ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म से कोई भी फ्लाइट से होटल बुक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रैवल पार्टनर्स पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं जहां आप अपने एज माइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। अब अगर रिटर्न की बात करें तो बेस रिटर्न डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग पर 2% का मिलता है, और माइल्स ट्रांसफर करने पर आपको अराउंड 4% का रिटर्न मिलता है। जब आप एक्सिस बैंक के ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म से होटल और फ्लाइट बुक करते हैं या डायरेक्ट होटल्स और एयरलाइंस के साथ बुकिंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड होटल्स पर अराउंड 5% का रिटर्न मिलता है, और ट्रैवल पार्टनर्स पर अराउंड 10% का रिटर्न मिलता है। साथ में इस कार्ड पर कुछ माइलस्टोन्स भी मिलते हैं। एक कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 3 लाख स्पेंड करने पर 2,500 एज माइल्स मिलते हैं, 7.5 लाख रुपए खर्च करने पर आपको 5,000 एज माइल्स मिलते हैं, और 15 लाख रुपए खर्च करने पर आपको 10,000 एज माइल्स मिलते हैं। तो एक साल में अगर आप 15 लाख स्पेंड करते हैं तो आपको अराउंड 6% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि अच्छा है। नेक्स्ट कार्ड जो इस कैटेगरी में है वो है अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड। अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 3,500 रुपए प्लस टैक्सेस, और रिन्यूअल फी है 5,000 रुपए प्लस टैक्सेस, और आपको एज वेलकम बेनिफिट्स 10,000 बोनस एमा पॉइंट्स मिलते हैं। इस कार्ड पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं एक साल में, और स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में हर 50 रुपए के खर्चे पर आपको 1 एमा पॉइंट मिलता है। रिवॉर्ड मल्टीप्लायर के थ्रू मर्चेंट्स और प्लेटफॉर्म पर शॉप करने पर आपको 3x यानी कि 3 एमा पॉइंट्स हर 50 रुपए के खर्चे पर मिलते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको कुछ माइलस्टोन बेस्ड स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको साल में 1.9 लाख का स्पेंड करने पर 7,500 बोनस एमा पॉइंट्स ऑटोमेटिकली और 7,500 एमा पॉइंट्स सपोर्ट पर कॉल करने पर मिलते हैं, और साल में अगर आप 4 लाख के स्पेंड थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 10,000 एमा पॉइंट्स मिलते हैं और 15,000 एमा पॉइंट्स सपोर्ट को कॉल करने पर मिलते हैं। तो टोटल 40,000 एमा पॉइंट्स मिलते हैं 4 लाख का स्पेंड करने पे, और साथ ही साथ 4 लाख के स्पेंड करने पर आपको एक 10,000 रुपये का ताज वाउचर मिलता है। आप पॉइंट्स को ताज वाउचर्स या काफ़ी सारे ट्रैवल पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनमें मैरियट बॉनवर बेस्ट है। अगर आप पॉइंट्स को ताज वाउचर्स के लिए या मैरियट बॉनवर पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8% का रिटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप 4 लाख से ऊपर का स्पेंड करते हैं एक साल में। तो ये कार्ड बहुत ही बढ़िया है अगर आप 4 लाख के अराउंड स्पेंड कर सकते हैं इस कार्ड पर। तो इसके बाद जिस कार्ड की हम बात करेंगे वो है SBI विस्तारा प्राइम कार्ड। ये विस्तारा को ब्रांडेड कार्ड है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 2,999 रुपये प्लस टैक्सेस, और आपको हर साल फी पे करने पर एक डोमेस्टिक प्रीमियम इकोनॉमी क्लास टिकट वाउचर मिलती है।
अनाउंसमेंट बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको हर एक क्वार्टर में दो कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं और साथ में आपको प्रायोरिटी पास मिलता है जिससे आप एक साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स अवेल कर सकते हैं कैप डेट 2 पर क्वार्टर। अब अगर इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको हर 200 रुपए के खर्चे पर 4 क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही में कुछ माइलस्टोन्स भी मिलते हैं। आपको साल में कुछ माइलस्टोन क्रॉस करने पे प्रीमियम इकोनॉमी क्लास टिकट वाउचर मिलते हैं। हर माइलस्टोन क्रॉस करने पर आपको एक वाउचर मिलता है और ये माइलस्टोन्स हैं 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। इनफैक्ट 8 लाख रुपए का माइलस्टोन क्रॉस करने पर एक यात्रा का 10,000 रुपए का होटल वाउचर भी मिलता है। इस कार्ड पर आपको अराउंड 7% का रिटर्न मिल जाता है एक साल में 8 लाख रुपए का खर्चा करने पर। SBI विस्तारा प्राइम के बाद हमारी लिस्ट में एक और विस्तारा कार्ड है और वो है IDFC विस्तारा कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 4,999 रुपए प्लस टैक्सेस और आपको हर साल फी पे करने पर एक डोमेस्टिक प्रीमियम इकोनॉमी क्लास टिकट वाउचर और एक 1 क्लास अपग्रेड वाउचर मिलता है। आपको नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में एक क्वार्टर में 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज और स्पा विजिट्स मिलती हैं और साथ में एक क्वार्टर में एक कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं। अगर हम स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपको एक स्टेटमेंट साइकिल में 1 लाख रुपए के स्पेंड तक हर 200 रुपए के खर्चे पर 6 पॉइंट्स मिलते हैं और 1 लाख रुपए के स्पेंस के ऊपर हर 200 रुपए के खर्चे पर आपको 4 CV पॉइंट्स मिलते हैं। प्लस आपको SBI विस्तारा प्राइम कार्ड की तरह आपको साल में कुछ माइलस्टोन्स क्रॉस करने पर प्रीमियम इकोनॉमी क्लास टिकट वाउचर मिलती हैं। हर माइलस्टोन क्रॉस करने पर आपको एक वाउचर मिलता है और ये माइलस्टोन है 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए। आपको अराउंड 6-7% का रिटर्न इस कार्ड पर भी मिल जाता है। दोनों विस्तारा कार्ड्स पर 2 इशू हैं और वो ये हैं कि विस्तारा के नेटवर्क काफ़ी लिमिटेड हैं, तो अगर आपके शहर में विस्तारा के नेटवर्क हैं तो ये कार्ड सेंस बनाएगा। प्लस एक और चीज़ को नोट करें कि इन अवार्ड टिकट्स की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड रहती है, तो काफ़ी मुश्किल से आप वाउचर्स रिडीम कर पाएंगे। बेस्ट ट्रैवल कार्ड्स की लिस्ट में जो नेक्स्ट कार्ड हमारी लिस्ट में है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड ईज माई ट्रिप कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 350 रुपए प्लस टैक्सेस। इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में आपको एक कैलेंडर क्वार्टर में एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट मिलती है और साल में 2 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स भी मिलती हैं। इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में हम बस ईज माई ट्रिप के स्पेंस पर जो डिस्काउंट्स मिलते हैं उसी की बात करेंगे, क्योंकि उसी पर ये कार्ड यूज होना चाहिए। आपको 5 डिफरेंट कैटेगरीज पर डिस्काउंट्स मिलते हैं और वो कैटेगरीज हैं डोमेस्टिक होटल्स, इंटरनेशनल होटल्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स और लास्ट में डोमेस्टिक बस बुकिंग्स पर। तो आप हर कैटेगरी में मंथ में मैक्सिमम 1 ट्रांजैक्शन पर डिस्काउंट्स ले सकते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल होटल्स पर आपको 20% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन डोमेस्टिक होटल्स पर मैक्सिमम 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है और इंटरनेशनल होटल्स पर मैक्सिमम 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। अब ऐसे ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर आपको मैक्सिमम 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर आपको मैक्सिमम 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। अंत में बस बुकिंग्स की बात करें तो आपको 125 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 500 रुपए की होनी चाहिए। बाकी किसी कैटेगरी में कोई मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू का क्राइटेरिया नहीं है। ये कार्ड पर हमारे हिसाब से डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर थोड़ा बेटर डिस्काउंट हो सकता था, बिकॉज जब आप इस कार्ड से डिस्काउंट को अवेल करते हैं तो ईज माई ट्रिप 350 रुपए की कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं, जिससे इफेक्टिव डिस्काउंट कम हो जाता है, लेकिन बाकी डिस्काउंट अच्छे हैं। और साथ में 350 रुपए की फी के कार्ड में ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलना काफी अनएक्सपेक्टेड था, तो ये भी इस कार्ड का एक काफी बढ़िया फीचर है। सेकंड लास्ट कार्ड जो हमारी लिस्ट में है वो है एयर इंडिया SBI सिग्नेचर कार्ड। एयर इंडिया SBI सिग्नेचर कार्ड की एनुअल और रिन्यूअल फी है 4,999 रुपए प्लस टैक्सेस और एयर इंडिया SBI सिग्नेचर कार्ड पर आपको एज वेलकम बेनिफिट्स 20,000 माइल्स मिलते हैं। 20,000 माइल्स के अराउंड 2 दिल्ली मुंबई टिकट्स आ जाती हैं, तो SBI सिग्नेचर कार्ड का वेलकम बेनिफिट काफी अच्छा है हमारे ओपिनियन में। रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो आपको इस कार्ड पर 5,000 माइल्स मिलते हैं, जिनसे रिन्यूअल फी तो रिकवर नहीं होती। बाकी 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलती हैं इस कार्ड पर एक साल में। अगर हम इस कार्ड पर एयर इंडिया के स्पेंस पर रिटर्न की बात करें तो आप 10-12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम जनरल स्पेंस की बात करें तो इस कार्ड पर 2-2.5% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिग्नेचर कार्ड एयर इंडिया के फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को डेफिनेटली रिकमेंड किया जा सकता है, बिकॉज
उन्हें फी पे करने पर 2 टिकट्स मिल सकती हैं। और हमें ये भी उम्मीद है कि एयर इंडिया अपने लॉयल्टी प्रोग्राम को जल्दी रिवैम्प करने वाला है, तो बेनिफिट और बेटर हो सकते हैं। लास्ट कार्ड जो हमारी लिस्ट में है वो है एक IRCTC कार्ड, जो कि है IRCTC HDFC कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 500 रुपए प्लस टैक्सेस। एज वेलकम बेनिफिट आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है कार्ड इशू होने के 30 दिन के बाद। और नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री IRCTC एग्जीक्यूटिव लाउंज विजिट्स मिलती हैं 1 साल में, कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर। स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में हम IRCTC बुकिंग की ही बात करेंगे, तो आपको IRCTC की वेबसाइट एंड ऐप पर हर 100 रुपए के स्पेंड्स पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और ये टिकट्स आप कोई भी क्लास की बुक कर सकते हैं और किसी के लिए भी। साथ में अगर आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर IRCTC की ट्रेन टिकट्स की बुकिंग करते हैं तो आपको 5x पॉइंट्स तो मिलते ही हैं और साथ में 5% कैशबैक भी मिलता है, तो आपको टोटल 10% का रिटर्न मिलता है IRCTC के स्पेंड्स पर, जो कि बाकी सभी IRCTC कार्ड्स से काफी बेटर है। और ट्रेन बुकिंग्स पर 10% रिटर्न हमारे हिसाब से काफी अच्छा है, तो जो भी ट्रेन्स में काफी ट्रैवल करते हैं उन्हें ये कार्ड डेफिनेटली लेना चाहिए। तो ये थे बेस्ट ट्रैवल कार्ड्स फॉर 2024। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रेडिट कार्ड न्यूज़ अपडेट्स रिव्यूज एंड कंपैरिजंस के लिए।